प्रोफेसर पुन्यानी आपसे करना चाहता हूं, क्या लग रहा है ये पहले इक्का दुक्का घटनाएं होती थी, भावनाएं आहत होने की, और अब ये बढ़ते बढ़ते यहां तक पहुंच गई कि हर दूसरी घटना पर किसी की भावनाएं आहत हो जाती हैं। किसी ने कुछ टिप्पणी कर दी, किसी ने कोई ऐसी फिल्म बना दी, यानी तथ्यों और तर्कों से कोई लेना देना नहीं है। आपने हमारी भावनाएं आहत कर दी, इतना काफी है कि हम आपको परेशान करें, हम दंगे फसाद करें, तोड़फोड़ करें, हिंसा करें। अनम्यूट कर लीजिए। मुकेश जी, ये आपका सवाल बहुत गहरा सवाल है और पिछले करीब 15-20 साल से ये भावनाएं आहत हुई हैं, ये मसला पहले से बढ़ता जा रहा है। और इसी के साथ साथ अगर हम देखें तो हमारे समाज में जो संकीर्णतावादी सोच है, जो भले ही धर्म के आड़ में बढ़ाई जा रही है, उससे इसका बहुत गहरा संबंध है कि हम वैसे तो एक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में विश्वास रखते हैं फॉर्मली, पर जहां तक जो अभिव्यक्ति मुख्य धारा की, मुख्य मजबूत जो सांप्रदायिक राजनीति है, उसको जो भी अभिव्यक्ति स्वीकृत नहीं होती, उसके खिलाफ खास तौर से भावनाएं भड़कती ज्यादा है। और मैं यहाँ एक दूसरी बात ऐड कर जोड़ना चाहूंगा कि ये भावनाएं भड़कने किसी एक बात का अगर हम उदाहरण लें तो जैसे बाबरी मस्जिद का सवाल आया था, अब अगर हम 50-60 साल पहले देखें तो उससे कोई भावनाएं आहत नहीं हुई थी, वो मुद्दा ही नहीं था। तो एक राजनीतिक एजेंडा के तहत मुद्दे को खड़ा किया जाता है और उसके बाद फिर उससे जुड़ी हुई चीजों पर भावनाएं आहत होती हैं, ऐसी कहा जाता है। दूसरा मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा कि एक तरफ चुनावी कारणों से भीमराव बाबा साहब अंबेडकर का कोई विरोध नहीं करता, पर उन्होंने जो लिखा है राम और कृष्ण पर, या बाद में पेरियार ने जाके जो राम और कृष्ण पर लिखा है, उसी प्रकार की बातें आज कोई प्रोफेसर कहता है तो उससे भावनाएं आहत हो जाती हैं और लोग उसको सीधा जेल तक पहुंचा सकते हैं, उनके खिलाफ मुकदमे कर सकते हैं। तो मुख्य रूप से हम, जैसे गुरु रविंद्रनाथ टैगोर कहते थे कि हम एक ऐसे समाज की तरफ जाएं जहां हमारा मस्तिष्क स्वतंत्र है, उसके उलट एक हम ऐसी दिशा में जा रहे हैं जहां एक संकीर्ण राजनीति अपनी असहिष्णुता को पूरे समाज पर लाद कर इस प्रकार का एक वातावरण खड़ा करना चाहती है कि जहां लोग अपनी बातों को खुले रूप से अभिव्यक्त न कर सके। तो मैं उसे एक राजनीति का भाग देखता हूं और इसके पीछे निश्चित रूप से वो राजनीतिक विचारधारा लगातार काम कर रही है, जिसके चलते ये भावनाएं भड़काने की बात, भड़कने की बात, भावनाएं भड़कने की बात लगातार एक के बाद एक अलग से अलग मुद्दों पर हो रही है जी।